सिंघू बॉर्डर पर हुए बर्बर हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी निहंग नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद सिंह को जूनियर डिवीजन की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि पुलिस ने 14 दिनों का रिमांड मांगा था। अदालत में पहुंचने के बाद आरोपी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि गुरु साहेब की बेअदबी की थी, इसलिए हमने लखबीर सिंह को मार डाला, अब आप हमें सजा दे दो। आरोपी नारायण सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि उसने लखबीर सिंह की टांग काटी थी, जबकि सरबजीत ने हाथ काटा था। उसने कहा कि हम चारों ने ही मिलकर युवक को मारा है, इसमें और कोई शामिल नहीं है। 14 दिन का पुलिस रिमांड सीख किया था, 6 दिन का मिला है, कल जो एक्यूज था उसका 7 दिन का मिला था, तो भी सबको एक साथ पेश करेंगे। सर, रिकवरी की भी बात की है पुलिस की तरफ से, रिकवरी करवानी है क्या क्या? आरोपी पक्ष के वकील संदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस ने हथियार और कपड़े बरामद करने के लिए 14 दिन का रिमांड मांगा था, जो कि पुलिस को 6 दिन का रिमांड मिला है, जबकि पुलिस को 6 दिन का रिमांड मिला है, सरबजीत को 7 दिन के रिमांड पर लिया है, तो वहीं 3 को 6 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। सभी आरोपियों का प्रतिदिन मेडिकल होगा। ये आरोपी प्रतिदिन अपने वकील से 1 घंटा बात कर सकते हैं। आरोपियों ने कोई कन्फेशन नहीं करा, पुलिस ने 14 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था इनका, रिकवरी ऑफ वेपन, रिकवरी ऑफ क्लोथ्स के लिए और प्लेस ऑफ ओकरेंस को आइडेंटिफाई कराने के लिए, जो कि प्लेस ऑफ ओकरेंस ऑलरेडी पुलिस फाइल में था, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन होनी थी, क्लोथ ऑलरेडी पुलिस फाइल के लिए हुए थे पुलिस ने पोजिशन में, और ऑल एक्यूज आर सरेंडर बिफोर द पुलिस, नॉट अरेस्ट बाई एनी वन। इसलिए पुलिस ने जो सरजीत का 7 दिन का रिमांड दिया था, इनका 6 दिन का दिया, सेम डेट लगी है कि भाई जहाँ भी ये जाएंगे उसके अंदर उनका मेडिकल कराएंगे, डीडी एंट्रीज होंगी, जिस भी थाने क्षेत्र के अंदर जाएंगे डीडीआर लिखवा कर लेंगे और उनका पर डे मेडिकल होगा और 1 घंटे के लिए पर डे ये अपने वकील से बातचीत कर सकते हैं। वकील साहब, ये भी बात सामने आई कि कबूल किया है? नहीं, किसी ने कोई कबूल नहीं करा, फेक हुआ है, ये तो कहने वाली बात है। उन्होंने पूछा भी कोई दिक्कत तो नहीं, उन्होंने कहा भी पुलिस ने हमारे को पीटा वीटा नहीं, खाने के लिए हम ठीक ठाक पूछते हैं, कबूलनामा कोई नहीं हुआ उसके अंदर। बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में लखबीर सिंह नाम के एक शख्स की निहंग सरदारों ने बेरहमी से हत्या कर डाली थी और उसके शव को बैरिकेड पर लटका दिया था, जिसके बाद सरबजीत सिंह नाम के निहंग सरदार ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और फिर कल नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह ने कल देर रात पुलिस को आत्मसमर्पण किया था, जो कि तीनों आरोपियों को आज मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया। सोनीपत से पवन सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।